हमारे साथ जुड़ रहे मनोज तिवारी जी। वैसे तो इनका क्या परिचय दिया जाए इस मंच पर कहना मुश्किल है। लोक संगीत से भी जुड़े हैं, अभिनय से भी जुड़े हैं, राजनीति के भी हिस्सा है, दिल्ली में काफी सक्रिय भी हैं। लेकिन इन सब के बीच आज जो इनका हम स्वरूप देखेंगे वो एक ऐसे उत्तर भारतीय के रूप में देखेंगे जो इस महापर्व को एक अलग ही संदेश के साथ आपके सामने रखना चाहता है। छठ का अर्थ क्या है आपके जीवन में मनोज जी? हमारे लिए छठ का अर्थ भगवान सूर्य का जन्मोत्सव है। भगवान सूर्य की माँ अदिति ने उन्हें जन्म दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांचवें दिन माँ ही जलने लगी और उस कमरे से उस बच्चे को बाहर निकालना पड़ा और पूरा विश्व प्रकाशित हुआ और छठी तिथि को सूर्य की प्राकट्य माँ मान लिया गया। भले ही ये बिहार से शुरू हुआ, बिहार से तो आर्यभट्ट ने जीरो का भी आविष्कार किया था, तो बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन आज हम सबको पता है कि ये दुनिया का त्यौहार है, क्योंकि सूर्य तो पूरे विश्व के हैं, विश्व क्या सृष्टि के हैं। तो हमारे लिए छठ एक ऐसा त्यौहार है जो रोशनी के द्वारा अपने को स्वस्थ रखने का त्यौहार। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस की पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं वो भी, लेकिन जब संस्कृति को और इन विश्वासों को देखते हैं करीब से तो अपने अंदर समेटना चाहेंगे। और आप चूंकि मौजूद हैं तो धुनों के साथ अगर हम आराधना करें उस ईश की जिसका नाम सूर्य है। चूंकि आपने शुरू में ही एक शब्द प्रयोग कर दिया प्रकृति, और वास्तव में छठ को जो जितना समझेगा वो स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रकृति का त्यौहार है। और एक इसका सिग्नेचर ट्यून है जो कि हम आज इन लोगों के सामने रखेंगे। मैं परसों बिहार में था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब एयरपोर्ट पे भी वही बज रहा है, हर सरकारी संस्थानों पे वही बज रहा है। जरा हमको पांचवा चाही बांस के बहंगिया बहंगी लच कती जा केरवा जे फरेला घव दे से ओ पर सुगा मेड़रा से ओपे सुगा मेड़रा ओपे सुगा मेड़रा सुगवा के मरबो धनुष से फलवा दी है जूठिया कातिक मास के बरतिया कातिक हुए पुनीत अरे बाट जे पूछे रे बटोहिया बहंगी के करा के जा बहंगी के करा के जा बड़ी रे संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठाय अम्मा दिहलू उठा कहाँ पैबो सुपवा सुपेलिया कहाँ पैबो झलरी ओहार कहाँ पैबो झलरी ओहार छठी मैया होई छठी मैया होई है।